नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, हमारे तमाम दीववासियों को रामनवमी के इस महापर्व की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं उन तमाम लोगों के लिए, रामलला के भक्त और उनके परिवारजनों के लिए, उनका जीवन मंगलमय हो। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ रामलला की जो शोभा यात्रा है रामनवमी के पर्व के उपलक्ष्य में, और ये रैली इस वक्त ITF ग्राउंड से 2:30 बजे रवाना हुई। वहां से जंगली घाट, गोल्डगढ़, दिलनीपुर, फोनिक्स बे बाजार होते हुए यहाँ इस वक्त यहाँ बंगाली क्लब से गुजर रही है। रामलला के भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जोश, ये भक्ति इस वक्त देखने लायक है। अलग अलग क्षेत्र से बाउसर बहु फ्लैट से लेकर के वांडूर, चिड़िया टापू, तुष्णाबाद, तमाम क्षेत्र यहाँ, शादीपुर, नया गांव, अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग चौक से, जंक्शन से, वहां से ये रामलला के भक्त टुकड़ियों में ITF ग्राउंड में जो इकट्ठे हुए, उसके बाद ये टुकड़ी जुड़ते जुड़ते महा रैली का रूप जो धारण कर चुकी, वहां उसके बाद वहां से उनकी रवानगी हुई और ये महा रैली इस वक्त गुजर रही है। यहां ठीक पोस्ट ऑफिस और बंगाली क्लब के इस जंक्शन से चलिए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं यहाँ ITF ग्राउंड में, जहाँ पे महारैली जो आपने देखी है, वो महारैली जो टुकड़ियों में जुड़ते जुड़ते आखिरकार यहाँ ITF में पहुंचेगी। इस वक्त ये ITF का नजारा है। यहाँ पे रामलला के भक्तों के लिए यहाँ देख सकते हैं कि ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है, शरबत की व्यवस्था की गई है, और तमाम यहाँ पे कार्यक्रम जो शाम के 4 बजे से प्रारंभ हुई है वो इस वक्त में चल रही है। वो नजारा भी भीतर का आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ विश्व हिंदू परिषद के, RSS के तमाम पदाधिकारी जो आयोजन में यहाँ पे व्यस्त नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित तरीके से ठीक ठाक चलती रहे और तमाम कार्यक्रम जो है वो सही तरीके से संपन्न हो। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिल्की मिस्ट इन्होंने यहाँ पे रामलला के भक्तों के लिए इन्होंने भी यहाँ पे अपने ठंडे पेयजल तथा आइसक्रीम ये तमाम भक्तजनों के लिए दिया जा रहा है इनको, और उनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आज रामनवमी के उपलक्ष्य में ये व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। और ऐसे ही तमाम कोई संगठन, कोई गैर सरकारी संस्था जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी ओर से आज के रामनवमी के उपलक्ष्य में अपनी ओर से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं दे रखी है। इसके लिए यही कहा जा सकता है कि आज सभी मन से और अपने सच्चे मन से यहाँ पे अपने हिस्सेदारी जो है वो निभा रहे हैं बखूबी।
और यहाँ इस वक्त में कार्यक्रम यहाँ पे कार्यक्रम इस वक्त में यहाँ चल रहे हैं। वो उद्घोष का जवाब उद्घोष से देंगे, हाथ उठा के देंगे। किसी भी कार्यक्रम का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हम उसकी भक्ति भावना में। और इस वक्त हमें इंतजार है कि जो महारैली है, वो महारैली जो यहाँ पहुंचेगी, वो नजारा भी, वो दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। और इस वक्त में हर नजारा केवल जहाँ पे नजर जा रही है, वो नजारा यही दिख रहा है कि भक्ति में लीन वो तमाम भक्तगण, रामलला के भक्त इस वक्त में यहाँ नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे आगमन होगा महारैली का, और कई और अन्य क्षेत्र के रैलियां जो महारैली से जुड़ने वाली थी, कुछ विलंब उनको हुआ। और कार्यक्रम जो है कहा जा रहा है बहुत तय सीमा के भीतर ही यहां समाप्त करना होगा। जैसे कि आपको मालूम है कारण एमसीसी है जो कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी है, उसके चलते तय सीमा के भीतर ही कार्यक्रम को भी समाप्त करना होगा। और ये रैली की जो है पहली गाड़ी रामलला की झांकी के साथ वो जो है यहाँ पहुंच चुकी है। आगे गाड़ी लेके जाके ऐसी ही रैली जो है, जो महारैली ऐसे ही अब पहुंचेगी यहाँ पे, और वो नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या बोलोगे?
दीप जलाए थे। अभी यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 160 देशों में सभी क्षेत्र से रामलला के भक्त इस वक्त आईटी ग्राउंड के प्रांगण में इस वक्त में उपस्थित हो चुके हैं। सभी आ चुके हैं हो गया है और मूर्ति देखने के बाद भक्ति गीत के अंदर जो पेश किए गए भावना भी आती है और उसके बाद जो संगठनों के पदाधिकारी हैं राम जी का मूर्ति देखने मुख्य भूमि से यहाँ आए हैं और हमारे यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद के हैं बजरंग दल के हैं संघ के हैं और संघ के तमाम आयामों के जो अधिकारी हैं कार्यकर्ता है स्वयं सेवक है वो इस वक्त में यहाँ पे अपने अपने दायित्व में इस वक्त मौजूद हैं अपने अपने दायित्व को संभाल रहे हैं और यहाँ ये रामलला की जो भक्तगणों की भीड़ है चूंकि MCC इस वक्त में लागू है और इस कारण से आने में यहाँ पे अलग अलग टुकड़ियों को अलग अलग क्षेत्र से थोड़े से विलंब हो गए मगर आखिरकार वो यहाँ अब जो है पहुँच चुके हैं और समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई है और निर्धारित समय सीमा पे ये कार्यक्रम को समाप्त करने की पाबंदी भी है और व्यवस्था भी है और कानून का पालन करना भी चाहिए रूल्स को मानना भी चाहिए लेकिन इन तमाम चीजों के बीच इस वक्त में ये उमड़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है कि राम जन्मभूमि और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामचंद्र भगवान की ये भक्ति लोगों के बीच में वाकई में देखने योग्य है सराहने योग्य है और कहीं ना कहीं सशक्त भारत की जो संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की संस्कृति उसको सशक्त करने का एक प्रयास है अंडमान निकोबार क्षेत्र में और यूं ही भक्ति बने रहे लोगों की और ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग प्रांत के प्रांतों में भारतवर्ष के लगातार चलती रहे और ये भावना सबसे बड़ी जो भावना है वो है मानवता की एक सशक्त राष्ट्र की एक अच्छे संस्कृति की यही धरोहर है भारतवर्ष की हमारे और इसी धरोहर के साथ हमारा ये 140 करोड़ जो जनमानस है भारत की जो संख्या है जनसंख्या है ये ऐसे ही बढ़ती रहे इसी भावना के साथ ऐसे ही मंगल कामना के साथ और आप तमाम लोगों को फिर से एक बार प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस पर श्री रामनवमी के महोत्सव पर फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं अभिनंदन और आपके परिवारों के लिए मंगल कामनाओं के साथ मैं आनंद दत्ता न्यू संघर्ष आज तक इस प्रकार हम सब लोगों ने